जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सियासत तेज, कार्यक्रम करने पर अड़े अखिलेश यादव, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को किया गया सील। टीम की चादरों से बंद किया गया जेपीएनआईसी का गेट, बिना अनुमति जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पर अड़े हैं अखिलेश यादव। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर गरमाई सियासत, अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात, सपा अध्यक्ष ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का ऐलान किया। अखिलेश यादव की आवास के बाहर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, घर के बाहर की गई बैरिगेटिंग, रास्ते भी किए गए सील। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा यह है बीजेपी राज में आजादी का दिखावटी अमृतकाल, श्रद्धांजलि ना दे पाए जनता, इसलिए उठा दी गई दीवार। जेपीएनआईसी को सील करने पर अखिलेश का यूपी सरकार पर हमला, कहा कि हर साल सपा के लोग यहां आकर रखते थे विचार, आज कार्यक्रम होना तय। अभी सब गए, पूरा चले गए, खाने की गाड़ी वाली। दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। तीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे सपा नेता सुनील साजन, अखिलेश के घर के बाहर पाबंदी को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा, कहा ये अटल बिहारी वाली बीजेपी नहीं है। लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है। आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, और लोकतंत्र जब खतरे में रहा है तो वो संपूर्ण क्रांति की लड़ाई लड़े हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जारी किया पत्र, अखिलेश के जेपीएनआईसी में जाने को लेकर जारी की गाइडलाइंस, लिखा वहां चल रहा है निर्माण कार्य, अखिलेश यादव का वहां जाना सुरक्षित नहीं। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह यादव का बीजेपी पर हमला, कहा जेपीएनआईसी में बीजेपी पहले कर चुकी है कार्यक्रम, अब अखिलेश को रोका जा रहा है। जेपीएनआईसी में खुद योगी जी ने, बीजेपी ने कार्यक्रम किया है, जब माननीय अखिलेश यादव जी को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनको माल्यार्पण करने जाना है तो गेट पर टीन लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि महापुरुषों का सम्मान नहीं करती बीजेपी, अखिलेश को माल्यार्पण करने से रोकना बेहद निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाओस दौरे का दूसरा दिन, पीएम मोदी आज 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, लाओस के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। खबरों में आगे बढ़ते, बीजेपी नेता अमित मालवीय का कांग्रेस पर हमला, कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि उनको सिर्फ मुसलमान वोट देते हैं। कांग्रेस की बर्बादी का अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो उसका नाम राहुल गांधी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस के प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि उनको सिर्फ मुसलमान वोट देते हैं, कांग्रेस में कोई एक नई मुस्लिम लीग है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर ध्यान देने को कहा, बंगाल सरकार सभी मांगों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम। बंगाल सरकार पर जेपी नड्डा का हमला, कहा बंगाल में महिलाओं के साथ हो रही क्रूरता, सत्ता में बैठे लोगों में दया नहीं। महिलाओं के साथ जो क्रूरता होती है और जो क्रूरता हो रही है, मां दुर्गा जो सत्ता पे बैठे हैं उनके मन में करुणा आए और हम लोगों को शक्ति दें ताकि इस तरीके के अन्याय को हम दबा सके। आरएसएस नेता सुरेश भैया जी जोशी का जाति पर बड़ा बयान, बोले जिस तरह सीमाएं लोगों के बीच विभाजन नहीं करती उसी तरह जन पर आधारित चीजें लोगों को विभाजित नहीं कर सकती। राज्य की सीमाएं हमारे अंदर भेद निर्माण करने नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। वैसे जन्म के आधार पर प्राप्त जो भी स्थिति है वो भी हमारे अंदर भेद को निर्माण नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा, आज माता नैना देवी मंदिर में करेंगे दर्शन, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दुर्गा पंडाल में की पूजा अर्चना, मुख्यमंत्री ने भगवान से प्रदेशवासियों के कल्याण की मंगल कामना की।
सीएम योगी आज करेंगे कन्या पूजन, गोरखनाथ मंदिर में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। अयोध्या में डांडिया महोत्सव का आयोजन, मुंबई, दिल्ली, पंजाब और लखनऊ से आए हैं भक्त। दिल्ली की लवकुश रामलीला में शिरकत करेंगे बॉलीवुड के कलाकार। विजयदशमी के दिन आज बता दें आपको अजय देवगन और रोहित शेट्टी और करीना कपूर भी शामिल। बांग्लादेश में फिर हिंदू मंदिर पर हमला, सतकीरा के जेसुरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी, पीएम मोदी ने भेंट किया था मुकुट। त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन पर दो बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। आपको बता दें स्तावेज के भारत में रह रही थी दोनों, दूसरे राज्य जाने की बना रही थी योजना। देवभूमि संघर्ष समिति ने बाहरी राज्यों से आए मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार शुरू किया। संजौली शहर में लगाए सनातन सब्जी वाला के बोर्ड। मथुरा के नौझील मंदिर मामले में हिंदू संगठनों का बड़ा गुस्सा, अभियान से जुड़े दिनेश शर्मा खून से लिखेंगे सीएम योगी को पत्र। मसूरी में थूक कर चाय बनाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार हो गए, आरोपियों का नाम मोहम्मद नौशाद और हसन बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के आपको बता दें लगातार मामले सामने आ रहे हैं चौंकाने वाले, और युवती का धर्मांतरण कराने की एक जगह कोशिश की जाती है और वहां पर लगातार पुलिस की कार्रवाई के चलते आरोपियों की तलाश शुरू हो जाती है। उसके भाई को चौकी बुलाया गया है, उसकी भी तलाश जारी है, और जैसे लड़की की तरफ से तहरीर आती है उसी के अनुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के देवास में गरबा कार्यक्रम में पकड़ा गया मुस्लिम युवक, मोबाइल में लव जिहाद से जुड़ी सामग्री भी बरामद, पुलिस को दी गई मामले की सूचना। बागपत में जैविक जिहाद केस में बड़ा एक्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित हुई, आरोपी जब्बार और मुशीर की तलाश जारी। यूपी के मुरादाबाद में मुस्लिम बीजेपी वर्कर को धमकी, जहां बीजेपी को वोट दिया तो गोली मारकर बिगाड़ देंगे सूरत सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। कानपुर में सपा शासन काल में हुए दंगा मामले में फैसला, दंगे के बाद दर्ज मुकदमे को योगी सरकार ने वापस लिया। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर धने पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ी, मेडिकल टीम ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने की हिदायत दी। कोलकाता में आरजीकर मामले में डॉक्टरों का गुस्सा बरकरार, पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे डॉक्टरों ने जुलूस निकाला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी के महिला पार्षद ने पुलिस को चेतावनी दी, सड़क पर शराब पीने वाले लोगों पर कार्रवाई करने को कहा, एसपी को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा, सड़कें पानी दरिया में तब्दील हुई, पानी में डूबे दिखे लोग, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मुंबई में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश, पानी में डूबी सड़कें, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश का कई इलाकों में दिख रहा असर, वडाला में भरा पानी, अंधेरी में सबवे बंद हुआ। मुंबई में तेज बारिश ने मचाया कोहराम, कई इलाकों में हुआ जल भराव, लोगों को हो रही है दिक्कत। मुंबई में बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, चुना भट्टी में ट्रैफिक जाम, पानी भरने और बिजली कटौती की समस्या हो रही है। और ये लाओस से आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। 2 दिवसीय उनका ये लाओस का दौरा है और आज पीएम नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी गए हैं और ये 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन है और ये सीधी तस्वीरें आप लाओस से देख पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 77 लाख की आबादी वाले लाओस की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। 2 दिनों की ये यात्रा है, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास ये यात्रा। आपको बता दें गुरुवार को लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। इस दौरान 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। लाओस आसियान की अध्यक्षता इस बार कर रहा है और पीएम मोदी की लाओस यात्रा के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर भारत के लिए आखिर ये छोटा सा देश रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है।
तो यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए जेपी की जयंती, लखनऊ में सियासी संग्राम क्या है, पूरी खबर बताएंगे रिपब्लिक भारत पर ब्रेक के बाद।